तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि योनो SBI कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही एक SBI का अकाउंट है तो उसमें आप योनो SBI रजिस्ट्रेशन करके बिना ATM कार्ड के भी ATM मशीन से पैसा वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि योनो SBI कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको योनो SBI एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करना होगा, और जैसे ही ओपन करेंगे तो परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद नीचे तीन ऑप्शन मिलेगा, न्यू टू SBI, एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्लिक करेंगे तो आपको फिर तीन ऑप्शन मिलेगा, लॉग इन विथ इंटरनेट बैंकिंग ID और रजिस्टर विथ माई ATM कार्ड और रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो मैं फ़िलहाल इंटरनेट बैंकिंग के साथ रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लॉग इन विथ इंटरनेट बैंकिंग ID में क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉग इन विथ इंटरनेट बैंकिंग ID में क्लिक करता हूँ, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID? तो आपको यहाँ येस में क्लिक करना है। ठीक है, तो येस में क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ डालना है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिख जाएगा, इस सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिख जाएगा, तो इस सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सबमिट बटन में क्लिक किया, और सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना होगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, यहाँ एक चेक मार्क लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 6 डिजिट का एक MPIN सेट करना होगा, और MPIN यह स्ट्रॉन्ग MPIN डालना होगा। जैसे आप 1 2 3 4 5 से ये डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, यह एक स्ट्रॉन्ग MPIN सेट करना होगा। तो मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग MPIN सेट कर देता हूँ। MPIN डालने के बाद आपको नीचे री इंटर MPIN दिख जाएगा, तो वहाँ भी आपको सेम MPIN डालना है जो आपने ऊपर डाला है। तो मैं यहाँ से री इंटर MPIN डाल देता हूँ, और री इंटर MPIN डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें OTP चला जाएगा, वो OTP यहाँ डालना होगा। तो मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ, OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी योनो SBI रजिस्टर हो गया है। तो इस तरह से आप योनो SBI रजिस्टर कर सकते हैं, और योनो SBI रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है और विदाउट डेबिट कार्ड के भी आप पैसा वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू बैलेंस दिख जाएगा आपको सामने, व्यू बैलेंस में क्लिक करके आप बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद आप योनो कैश का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप विदाउट ATM कार्ड के भी ATM मशीन से पैसा विड्रॉ करवाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि विदाउट ATM कार्ड के ATM मशीन से पैसा विड्रॉ कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ क्लिक करके आप विदाउट ATM कार्ड के भी ATM मशीन से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।